देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ 88 विधानसभा कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की गई। माननीय मूलचंद्र शर्मा, हरियाणा कैबिनेट मंत्री एवं माननीय उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की उपस्थिति में मिलन वाटिका में की गई बैठक। संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आज बल्लभगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल प्रधान, पदाधिकारी और सारे लोगों की आज प्रमुख लोगों को मीटिंग बुलाई है। 27 तारीख को आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। उस रैली की ताली हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आए और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी और सभी लोगों ने बल्लभगढ़ विधानसभा की मीटिंग ली है और बल्लभगढ़ से ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति 27 तारीख को 10 बजे फरीदाबाद 12 सेक्टर पहुँचाने काम ये रैली की हमने मीटिंग ली है। इसकी तैयारी में वर्कर लगेंगे, कार्यकर्ता साथी लेंगे। मंत्री जी, आपको क्या लगता है फरीदाबाद में जो एक बड़ी रैली होने जा रही है उसमें कितने कार्यकर्ता और कितने लोगों के जुटने की? और भारतीय जनता पार्टी कभी रैली छोटी नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बल्लभगढ़ आए या बारे में आए तो अमित शाह जी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी और हमारे सारे लोकसभा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के से भाग लेंगे और ऐतिहासिक बड़ी रैली होने जा रही है। अध्यक्ष जी, 27 तारीख की रैली के लिए जैसा कि अभी देखा गया विधानसभा बल्लभगढ़ में तैयारी चल रही है, आप पूरे शहर का जायजा ले रहे हैं, आपको क्या लगता है इस ऐतिहासिक रैली होने जा रही है? निश्चित रूप से अमित शाह जी की जो रैली होगी ऐतिहासिक रैली होगी और हमारे सारे विधानसभा, अभी आपने देखा बल्लभगढ़ विधानसभा के हमारे बूथ से लेकर सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित रहे, सबकी जिम्मेवारी तय की गई है। इसी तरह से अपने फरीदाबाद विधानसभा की तैयारी हो चुकी है, उसकी मीटिंग हो चुकी है, तिगाम विधानसभा की तैयारी चल रही है, पटला की हम विधानसभा की परसों रैली उसको तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी रैली ऐतिहासिक होगी और सभी हमारे जो मंत्री, विधायक, सांसद, हमारे निवर्तमान पार्षद और हमारे पार्टी के सभी मंडलों के अध्यक्ष और हमारे जिले के सभी पदाधिकारी पूरी ताकत से मतलब रैली को सफल बनाएंगे और ये फरीदाबाद की एक ऐतिहासिक ये रैली होगी। और क्योंकि देश और दुनिया में जो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम है वो हमारे अमित शाह जी ने अपने लैंड ऑर्डर के लिए पूरे भारतवर्ष में इसको बहुत मजबूती प्रदान की है, इसलिए सब लोग उनको सुनना चाहते हैं और बहुत सुंदर बहुत बड़े आयोजन के साथ ये रैली। अध्यक्ष जी, अक्सर देखा गया है जो बड़ी रैली होती है उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रेस को लेकर अव्यवस्था हो जाती है, इस बार प्रेस के लिए क्या व्यवस्था? आप चिंता सर, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम बैठक ली गई है, क्या उद्देश्य? देखिए, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की अभी बैठक 27 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी फरीदाबाद सूरजपुर पर 2 दिवसीय देश के गृह मंत्रियों का उनका सेमिनार की बैठक में लेने आ रहे हैं। तो हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को ऐसा मौका मिला, हमने कहा कि मौके को हाथ से नहीं जाना चाहिए। अमित शाह जैसा सक्षम नेतृत्व, सुदृढ़ नेतृत्व फरीदाबाद आ रहा है और फरीदाबाद के लोग उसको सुने नहीं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हमने उनसे टाइम मांगा और उन्होंने हमको, उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें समय दिया रैली के लिए। उस रैली की तैयारी के सिलसिले में अभी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बैठक अपने यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक मूर्ति शर्मा जी, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, उनकी अध्यक्षता में जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे सब चुने हुए नुमाइंदे, नगर निगम के पार्षद, सब यहाँ पर हैं। एक अच्छी बैठक यहाँ पर हुई है और बल्लभगढ़ के कार्यकर्ताओं पर, मतलब हमें अपने कार्यकर्ताओं पर के सामर्थ्य और उनके पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा है। और पहली बार रैली नहीं है, अनेकों बार हमारे कार्यकर्ताओं ने एक से बढ़कर एक रैली की है। तो आज उनसे बातचीत करने के लिए कि किस तरह रैली होगी, किस तरह आना है, वो सारी चर्चा यहाँ पर हो रही है और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक रैली होगी, बड़ी रैली होगी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली रैली। रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? देखिए, आप खुद देखेंगे, मैं आशंका नहीं करता, लेकिन अभूतपूर्व रैली होगी, आप ये देखिए। सर, पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है SYL के मुद्दे पर, SYL के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे भी नकार देता है और जो वार्ता